हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही किचन से और ऑगी के लिए आज बन रही है रोटी। तो आज ऑगी फर्स्ट टाइम रोटी खाएगा। देखो बेचारे को कितनी भूख लगी, एकदम बैठा हुआ है शांति से खाने के इंतजार में चुपचाप। ओले 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 कुछ नहीं कर रहा, मैं इसे प्यार कर रहा हूँ। ऐसे पैरों से छेड़ा मत करो उसे। ऑगी के लिए रोटी चूरी हो रही है। चूरी रोटी, चूरी चूरी रोटी खाएगा, इतनी छोटे छोटे पीसेस खाएगा ऑगी। ऑगी तो हमने किया क्या है, बस ग्रेवी को थोड़ा सा इन रोटी में मिक्स कर दिया ताकि रोटी थोड़ी नरम हो जाए, टाइट ना लगे, क्यों सूखी सी ना लगे। इन शॉर्ट बॉटम लाइन ऑगी। अच्छा आजा 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 आजा, ये नहीं खाएगा। आजा दौड़ के तो आ रहा है, वैसे भूख लगी है क्योंकि नहीं खा रहा है। शिल्पी खा ले होगी, खा ले बेटू, कुछ नया है ट्राई कर। नहीं खा रहा, ट्राई कर एक बार और ट्राई कर। आई नो मम्मी गंदी सब्जी बनाती है लेकिन फिर से ट्राई कर, बोलना पड़ता है ना, प्लीज ट्राई कर यार एक बार, देख बस उल्टी ना हो जाए। नहीं चल ठीक है हटा दे, नहीं खाएगा। इसने ट्राई किया दोबारा, नहीं पसंद आ रहा इसे। भूख तो लगी है, कोई बात नहीं, दे रहे तुम्हें डॉग फूड, दे रहे चिंता मत करो। आजा 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 आजा, ऑगी को देंगे उसका डॉग फूड। पहले एक दो दाने डाल के देखना, मुझे लग रहा है इसका पिछले पतली पॉटी की थी, मैं भी इसलिए नहीं खाया। नहीं खाने की तरफ भाग रहा है तो मतलब भूख तो लगी है। यहाँ नहीं सूंघ रहा है, देखिए खाएगा कि नहीं खाएगा। आजा, अगर इसने ये भी नहीं खाया ना तो मार खाएगा। इसको मूड ही नहीं है यार खाने का, नहीं खाना ना, बस रहने दो, छोड़ देते हैं, खा लेगा वैसे इसको रात भर। रात भर पानी रख दो, दूध दूध दे के देखे जरा सा, बहुत जरा सा। भैया रोटी नहीं खाई, डॉग फूड नहीं खाया, दूध पी रहे हो, गजब बात है भैया तुम्हारी। मूडी कुत्ता है हमारा भैया, शाही कुत्ता है हमारा, रात को दूध पीता है, डॉग फूड नहीं खाता है, दूध पीता है। हम लोग क्या खाएंगे जी आज, क्या खाएंगे? पनीर के परांठे, पनीर आलू के मिक्स परांठे। क्या बात। तो भैया अपनी पार्किंग में खड़ी होती है थंडरबर्ड, नाइस बाइक, काफी अच्छा मेंटेन्ड भी किया हुआ है इसको। आजा ऑगी, ये देख कैसे भागा। मैं ये शिल्पी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना आईफोन नहीं लाया। और ओ हो देखो भाई साहब को पागल हुए पड़े हैं घास में। मेरे पास मत आ, ये अपनी पागलपंती है लेके। इसके फ़ोन में 30 FPS पे शूट होता है तो शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्क्रीन में थोड़ा सा अजीब सा दिख सकता है। ये देखो पागल हो गए मास्टर हमारे, ये देखो भाई साहब एनर्जी फुल ऑन, अब तो ये मस्त पॉटी करेगा। ये यार ग्राउंड इसमें कितना सेक्सी आ रहा है, कुछ कर रहा है ये, कहाँ करा तो बालक। तो ऑगी इज इंजॉइंग इट्स फुलेस्ट, लाइक वी ह्यूमंस डोंट डू। तुम मत दौड़ो बाबा, तुम कमजोर हो अभी। इसको कार पे चढ़ा दिया है, इसकी थोड़ी फट रही है, ऐसे बंद होगा, इसको डर लग रहा है। क्या होगा आगे, रिवर्स नहीं है, चला जा, चल 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 चल, रिस्क नहीं लेने का भाई, ये बाबू राव का स्टाइल है। सुबह हो गई है, ऑगी को अभी मैंने उठते साथ ही आया मैं, तो इसको बाहर इसलिए बांध दिया क्योंकि कभी कभी इसको ना शुशू आई रहती है, तो इधर उधर करने से अच्छा है इसको तुरंत बाहर बांध दो जब तक मैं थोड़ा सा चेंज वेंज कर लूँ और फिर चलेंगे नीचे पार्क में। क्योंकि जैसा कि कल देखा हम लोगों ने पार्क में जा करके एकदम पागल सा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज फिर से सुबह पार्क में ही लेके चले। मौसम देखो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, अरे बारिश हो रही है, बस बारिश हो रही है, नीचे तो नहीं जा सकते, देखते हैं चलो छत पे, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो 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 चलो,
अब ये मास्टर जी क्या करते हैं, लिफ्ट का बटन में जैसे ही दबाते तो ये अपने आप घुस जाते हैं नीचे इसमें। मैं आऊं चाहे ना आऊं, इतनी जल्दी इसे घूमने की है, इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है। आजा 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 इधर आ, नीचे नहीं चलो छत पे ही चलते हैं, जब गीले में टहलना ही है तो चलो छत पे चलते हैं जहाँ इसको खुला छोड़ पाए। चलो आगे इधर नहीं, नीचे नहीं बेटू, टेरेस पे चलते हैं। चलो टेरेस पे चलते हैं। A few inches later. अब मजा है, यहाँ इसके स्ट्रैप को खोल दिया है, अभी आराम से घूमेगा टहलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कर लो यहाँ पॉटी कर लो, चलो पॉटी कर लो यहाँ पे, तुम्हें तो पसंद है ना टेरेस पे पॉटी करना, जाओ करो, जाओ जाओ मैं देख नहीं रहा हूँ, जाओ अकेले जाओ करो। एक्चुअली इसको ना अकेले जा करके पॉटी करना पसंद है, कि मेरी नजरों से थोड़ा ओझल हो जाए, दिखे ना मुझे, तब ये कोने में जाके कहीं आराम से पॉटी कर लेगा, फिर वापस चला आएगा। ये है सिस्टम। मौसम आज भी बहुत अच्छा, बादल बादल से थोड़े सनलाइट थोड़ी सी निकलती हुई उन बादलों में से, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, बस ये बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए वरना नीचे जाना पड़ेगा। उधर देखो कितना सही नज़ारा दिखता है यार मेरे अपार्टमेंट की टेरेस से, अगल बगल भी कितनी ग्रीनरी है इधर। जब से योगी को घुमाने फिराने वाला सिस्टम मैंने रख लिया है ना सुबह शाम वाला, तब से बहुत अच्छी एनर्जी रहती है अपने अंदर, मज़ा आता है सुबह उठ के, एक एंथुजियाज्म रहता है कि यहाँ चलो ऊपर चलेंगे टेरेस टूरिस्ट पे चलेंगे। उस एनर्जी से आई फील मोटिवेटेड टू वर्क ऑल थ्रू आउट द डे। बस भाई यही बहुत बड़ी एक जो किक मिलती है ना, वही बहुत बड़ी चीज़ है। ऑगी कर ले भाई मेरे पॉटी कर ले, तो फिर चले नीचे, बारिश सी हो रही है। तो देखो गाइस क्या हो रहा है, धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि आपका दिमाग ख़राब होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आई मीन लाइक सीरियसली धूप और बारिश बादल सब है एक साथ। ओह रेनबो मैन, रेनबो, आई कैन सी द रेनबो, आई कैन सी द रेनबो, कैन यू सी द रेनबो, वाओ आई सॉ द रेनबो। और ये रेनबो देखो यहाँ से यहाँ तक है, वाओ ऑसम मैन ऑसम, काश मैं आज ड्रोन लेके आया होता मैन, दिस इज सो ऑसम। ऑगी अब मैं तेरे को रेनबो दिखाऊँ, आजा 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 रेनबो दिखाऊँ, आजा ये देख रेनबो, रेनबो ऑगी रेनबो, वो देख वहाँ से वहाँ तक, अरे सामने देख ना भाई, दिखा रेनबो दिखा, है ना सही चीज, इजंट इट कूल ऑगी। शिल्पी आई होती ऊपर तो उसको भी ये नज़ारा दिख जाता, एपिक नज़ारा है, एपिक नज़ारा। आ जाओगी पानी पिएगा, पानी पिएगा, आ जा पानी पी ले, पहले पानी पी ले, पानी पी ले, पानी प्यास नहीं लगी, लगी तो है, पी तो रहे हैं लेकिन नाटक है, एक बार में बोलेंगे तो नहीं सुनना है। तो ऑगी को वही डॉग फूड देते हैं जो कल रात उसने इग्नोर कर दिया था, लेकिन आई थिंक इस समय वो मूड में है तो वो खा लेगा, उछल कूद मचा रखा खाएगा, खाना खाएगा। हाँ दे रहा हूँ, रुक जा शैतानी मत कर, कल रात में दिया था तब तो तूने खाया नहीं, अब ऊ कर रहा है। बैठो पहले, चलो जल्दी खाओ जल्दी खाओ, यस गुड बॉय, भूख लगी है, भूख लगी तो आज ये भी खाएंगे, कल क्यों नहीं खाए थे। इसको बाहर टहला लिए, नाश्ता भी दे दिया और अब आराम से बैठ करके थोड़ा काम वाम करेंगे। अच्छा मौसम, अच्छा डॉगी, अच्छा मालिक। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सामने, मेरे गोप्रो की बैटरी इसमें अटक गई थी, ये निकल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि ये पुरानी बैटरी है और ये थोड़ी सी फूल गई थी, तो इससे डिटैच नहीं हो रही थी। मैंने इसे कई बार जोर जोर से खींचा तो उसका जो एक पॉइंट होता है जो निकलने वाला जिसको पकड़ के खींचते हैं, पहले तो वो बाहर आ गया, मेरे हाथ में आ गया, उसके बाद धीरे धीरे खींचने की कोशिश करी तो ये बैटरी का भी देखो ये हाल हो गया, बुरा हाल। अब नेट पे पढ़ता हूँ कि इसको कैसे खोल करके इसकी बैटरी निकालनी है, इधर से ये कहीं से खुलेगा, जो भी है गाइस थोड़ा डर गया हूँ मैं कि ये कैसे सही होगा, लेकिन भाई लाइफ में तो पंगे होते ही हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सोल्यूशन निकालो, यही तो लाइफ है। गूगल पे पढ़ते हैं क्या सिस्टम है इसका। हुआ यूँ है कि इसकी बैटरी जो थी वो अंदर इसमें फंस गई थी, क्यों, क्योंकि बैटरी थोड़ी फूल सी गई थी, पुरानी हो गई थी, वो फूल गई थी, तो वो फूल गई तो वो अंदर इसमें स्टक हो गई, जब स्टक हो गई तो बाहर खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, आ नहीं रही, तो पहले तो उसको बाहर खींचने वाला कंपार्टमेंट टूट गया, उसके बाद धीरे धीरे बैटरी एकदम फट फट के बाहर आने लगी, किसी तरह मैंने इसको नाइफ़ वगैरह से निकालने की कोशिश करी तो, लेकिन अभी सारे पैतरे फेल हो गए, आप देख सकते हो कि देखो कैसे बैटरी का बुरा हाल हो गया अंदर,
मैं कुछ भी फिजिकल डैमेज नहीं चाहता हूँ इस पर, इसीलिए मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया है। अब करूँगा क्या, अब करूँगा ये कि मैंने इंटरनेट पे कई नंबर सर्च किए, GoPro का सर्विस सेंटर सर्च किया कि आसपास कहाँ पे, नियरेस्ट कहाँ पे है, तो दिल्ली में निकला। एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, एड्रेस भी अभी देखते हैं ढूंढते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मिल गया है। तो अभी 10 बजे के बाद उनको कॉल करेंगे ऑफिस पहुंच के। हाँ, आज ऑफिस जाऊंगा मैं, तो 10 बजे के बाद उनको कॉल करूंगा, देखता हूँ क्या है कैसे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे जा कर के डेली इसको बनवा के लेके आता हूँ, क्योंकि भाई बिना इसके बहुत दिक्कत है मेरे को। और एक बात और कि देखते हैं क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या बताता है इसको सही करने की। एक्चुअली मेरे पास GoPro प्लस, जो कि अब GoPro क्विक के नाम से आता है, उसका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। तो लेट्स सी, उस सब्सक्रिप्शन वगैरह में तो लिखा हुआ है कि ये कैमरा रिप्लेसमेंट मेरा फ्री है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, जब तक उसे कॉल नहीं कर लेते तब तक कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। गो फॉर द बेस्ट। तो हाँ गाइस, नाश्ता हो रहा है, सैंडविचेस एंड प्रोटीन, और ऑगी बदमाशी के फुल मूड में। इसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा, उसको पता है कि ऑफिस जा रहा हूँ, इसीलिए ऐसे कर रहा है। ऑगी, वन इटर्निटी लेटर। हेलो ऑगी, हेलो ऑगी, हेलो ऑगी, हेलो ऑगी, हेलो ऑगी, तो हाँ जी भाई लोग, मैं ऑफिस से आ गया, और हर बार की तरह ऑफिस से आने के बाद ऑगी को थोड़ा वॉक कराया। एक्चुअली जब मैं आया ना यहाँ पे, तो शिल्पी और ऑगी नीचे पार्क में ही टहल रहे थे, तो मैं भी जाके इन लोग के साथ ज्वाइन कर लिया, लेकिन बस 2-3 मिनट के बाद वापस आ गए सब लोग ऊपर घर पे। तो अब बस यही यार, मेरे GoPro का तो बुरा हाल हो चुका है, मैं फिर से आप लोग को दिखाता हूँ कि GoPro का क्या हाल हुआ है। ये देखो, ये हाल हुआ है GoPro का, और मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ कहीं बनेगा, और मैं इधर उधर वाली शॉप से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा इसको। देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन से शूट करने में आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल। तो बस यही है गाइस, आज का ये व्लॉग बहुत ही छोटा रहा, लेकिन जो भी है अब तो यही है। तो अब पता नहीं, अब आगे आई डोंट नो कब मुलाकात होगी, मैं आईफोन से शूट करूंगा कि नहीं करूंगा, या फिर GoPro का क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल। मैं वीडियोस थोड़ा थोड़ा तो बनाता ही रहूँगा, भले ही लंबे ब्लॉग्स ना बनाऊँ, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉग्स तो बनाता ही रहूँगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में क्या रहता है। यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियोज़ आगे अच्छी आने वाली हैं, डेफिनेटली है। कैमरा अगर जाएगा भी बनने, तो 1 महीने के अंदर बन के वापस आ जाएगा, या नया आएगा, या जो भी होगा। तो विद दैट सेड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो विद दैट सेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो।